गाइस, दिस इज़ मी नाया एंड यू वाचिंग लाइफ विद नाया यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल हॉट चिकन, क्रिस्पी हॉट चिकन। सो इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले जो है मैंने 1 किलो जो है वो चिकन ले लिया, ठीक है, नॉर्मल साइज़ के पीसेज हैं चिकन की, उसे साफ़ कर लिया। फिर मैंने जो है सॉसेज लिए, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। उसके बाद ड्राइड मसाला, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून जो है वो कुटा हुआ सूखा धनिया। उसके बाद 1 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया और 1/2 टीस्पून बिल्कुल लाल मिर्च ले ली। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा मिर्चें रखें तो आप चीज़ों की क्वांटिटी मिर्चों की बढ़ा सकते हैं। साथ में मैंने जो है कोटिंग के लिए जो है मैदा लिया हज पे ज़रूरत और दूध लिया हज पे ज़रूरत। अब मैं क्या करूँगी, इस चिकन के अंदर 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस ऐड करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप इसमें चिली सॉस थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड किया। फिर जो मेरे पास यहाँ ड्राइड मसाला थे, सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ठीक है। 1 घंटे के बाद जब मैं इसको खोल मतलब ढक्कन वगैरह उठाऊँगी मतलब निकालूँगी, तो मैंने क्या करना है कि इसकी कोटिंग स्टार्ट करनी है। कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने जो है चिकन को अच्छे तरीके से मैदे के साथ कोट कर लिया है, सारी साइड से इसे इक्वली अच्छे से मैदे में कोट कर लेना है। मैदे में कोट करने के बाद इसे दूध में डिप करना है और बाय द टाइम आप दूसरा पीस ले लें और उसे इसी तरह मैदे में कोट करें। उसको जब आप मैदे में कोट कर लेंगे अच्छे से, फिर आप इसे दूध में डिप करें और जो पहला पीस आपने रखा हुआ था दूध में उसको जो है वो आप निकाल लें, ठीक है, इक्वली दोनों साइड से निकाल के फिर आप इसको मैदे के अंदर डिप करें रखें और जो है इसको अच्छे से मैदे से अगेन कोटिंग कर दें। इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, मैदे और दूध की कोटिंग से हमारा चिकन बहुत क्रिस्पी बनेगा। सो ये मैंने एक कर लिया, इसी तरह अब मैं बाकी सारे कर लूँगी, ठीक है। ये करने के बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली हज पे ज़रूरत, उसमें तेल डाल लिया। तेल डालने के बाद मैंने क्या करना है, मेरे पास जो चिकन था वो मैं उसमें 1 by 1 ऐड करती जाऊंगी। चिकन ऐड करके हमने इसे फ्राई करने हैं, इसे हम मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। उसके बाद जो है हम 3 मिनट इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे।